चिकन। तो हमने इसको अब दोबारा से बनाया है थोड़ा बहुत, अब थोड़ा सा सही लग रहा है, किचन में रखते हैं, कोई ना कोई तो आएगा यार। ये लग रहा है ना। इसमें ना एक ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब ये मत बोलना यार कि अविनाश ऐसे प्रैंक मत करो, हम गांव में ना बहुत ज्यादा ऐसे मजाक करते हैं, तो प्लीज आप लोग ना टेंशन मत लेना, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सब हंसी मजाक करते हैं बहुत ही। तो मैं आपको थोड़ा सा नमूना दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ से डरती है कि नहीं डरती। मम्मी लाइट बंद कर दे, जो भी आएगा। क्या बोलते हैं, पहले ग्रीन टी पी लिया, लेकिन ग्रीन टी के बाद चाय तो पी सकते हैं। मम्मी इधर आ, इधर आ, इधर आ, पहले पहले वो मिट्टी मिट्टी सही करो, पहले चलो मिट्टी सही करो पहले। पता इसने कैसे फैला दी सारी मिट्टी यार। तो दोस्तों ये रहा, अरे रुद्रा से तरह पहले नहीं, मैं जानूंगा पहले सही कर, तूने सारे खराब कर दिया। तो ये रास्ते जा रही है दूध लाने, मैंने सारी लकड़ी उकड़ी ठीक कर दी, घास उसमें लेके आ गया था, तो अभी ये मतलब आ रही है वहाँ से बच्चों के साथ बातें होते गपशप लगा के अपनी फ्रेंडों के साथ। ये मेरी मम्मी भी आ गई, सारा काम मैंने कर दिया था। ये मेरी मम्मी धीरे धीरे चल रही है, ये मेरी मम्मी आ गई है, मेरी मम्मी ना कॉमेडी भी करती है, देखते हैं क्या बोलती है। कैसे लग रहा है बताओ? चलो हल्यानी मिलू। पता नहीं दोस्तों हाउ दिस प्रैंक विल वर्क, मम्मी डोंट नो वट इज़ प्रैंक, वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रैंक, सो दैट्स आई एम यूजिंग दिस वर्ड। सो ये हमारी गुदड़ी है जो सूख गई है, और ऐसी कई गुदड़ियाँ होती हैं ना जो सूख जाती हैं। ये मम्मी अपनी धराती को रखते हुए और अरे पता है फादर के फैले हुए सामान भी कौन सा धर कर आप पहले रखो सर सामान। ये मेरी माँ, मेरी माँ किचन में जा रही है, मेरी माँ किचन में नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। आज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तू? चल चल मैं बाहर नहीं रहा तुझे, तो बटा बटा he's going to expose my prank, so I'm not going to let him to do this. You don't know mom what is inside of this house, what is inside of this room, you don't know, you don't know what I'm saying. Kal don mom mein ja, I'm talking in English man, friends me Rashi both practicing English so that we can teach Rudrans and Garhwali and Hindi, we are fluent. Mom, do you know how to speak in English? Huh? Mom, go inside of this room yaar, go make some tea for me. Mom doesn't know, my mom don't know what I'm saying, she is just smiling and giving me beautiful glance. बोल आई एम मेकिंग एरोप्लेन, बोल आई एम मेकिंग एरोप्लेन, बोल मी एरोप्लेन बनाणु छु, मैं एरोप्लेन बना रहा हूं। जा जा, नहीं नहीं तुम जा, मुझे तो ये हमारा किचन है प्यारा सा किचन, किचन नो न्योनी ये है सर बुढ़ड़ी घूम और हल्यानी नीलू में से हल्यानी नीलू क्या तो भाई क्या पागल तूने क्या सोचा था
मेरी मम्मी को सांस डर लगता है। चलो अच्छा लगा हमको, तो मैम बोल दे सबको कि थैंक यू सो मच मैम, बोल दे। अच्छा सच बता, तुझे क्या लगा था सबसे पहले? गुरु गुरु मतलब सांप होता है। सच बताओ तुझे लगा था क्या, तुझे कैसा लगा था एकदम से दे देखा तो एकदम से देख के कैसा लगा था? हिंदी बोलो। सांप सांप एकदम से देख के क्या सोचा तूने? डर लग गई बस क्या होता था। थैंक यू सो मच यार, ये क्विक सा एक वीडियो था, एक प्रैंक था जो एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैंने किया और बड़ा मजा आया। एक तो रुद्राम मैं बार बार फोन खोलने के लिए जा रहा था ना, इसीलिए थोड़ा सा ये हो नहीं पाया प्रैंक, तो अभी देखते हैं बाद में क्या हो सकता है। तो ये मैं मिट्टी देता हूँ माँ, चलो प्रैंक तो बढ़िया हुआ, ये मैं मिट्टी दे रहा हूँ, इसका एक सांप बनाना माँ। बना ऐसे बनाना जैसे ही बनाया था। मेरी मम्मी सांप बना रही है, तो देखते हैं मेरी मम्मी मिट्टी से कैसे सांप बनाती है। ये सांप है, आई मत करना, ये सांप है, ये रुद्रांश ने पोटी करी है। अच्छा ये पकड़ने का तरीका है, मम्मी बता रही है कि सांप आ जाता है तो उसे पकड़ना कैसे है? कैसे पकड़ना है उसे? क्या चीज दोस्तों, ये देखो मैंने अभी बनाया, मम्मी से पूछता हूँ कैसा लग रहा है ये। मम्मी लग रहा है सांप? क्या लग रहा है? किदोला। किदोला मतलब क्या होता है? सांप का भुला। सांप का भुला मतलब सांप का छोटा भाई, लेकिन लग तो रहा है ना। अगर ये असली होता तो क्या करती बता? कुछ नहीं, भगा देती बस। अगर नहीं भागता तो? नहीं भागता तो चूल्हे में डाल देती। मम्मी बोल रही चूल्हे में डाल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको प्रैंक? बढ़िया लगा ना? तो बस ऐसे मजाक में करता रहता हूँ मम्मी के साथ, और भी करूँगा। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही कर दिया था मजाक में, और एक बढ़िया सा प्रैंक ब्लॉग भी बन गया। तो अब मैं कुछ, मुझे कुछ यू नो आया है पार्सल, और पार्सल को आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यू नो आप लोग प्यार से भेजते हो, तो मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे आपको दिखाना है। सास नगर मोहाली, हाँ वहाँ से भेजा है सुनीता चौहान जी ने। तो सुनीता चौहान जी थैंक यू सो मच, और मैं चंडीगढ़ आऊँगा ना, आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, पूरे चंडीगढ़ वालों से मिलूँगा, मैं हर जगह मिलूँगा जहाँ भी जाऊँगा, ठीक है? तो बहुत खुशी हो रही। तो अभी मम्मी ऊपर है, आ जा माँ आ जा। और ये रुद्रांश बच्चों के लिए होता है सब कुछ, और राशि बैजरों से आई थी, और मैं जोई मार्केट से, तो मैं जब सामान लाती ना आटा चावल जो भी, तो मैं सड़क तक गया था, और वहाँ से हम दोनों लाए। तो देखो अभी भात खा रही है, भात दाल, और ये देवांशी भू, अरे वाह भू देवू 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 आओ आओ, गोल मटोल लोगो, ये मेरा भालू चकोर है मेरी चकोर है ना, चकोर लग रही है ना दोस्तों। ये देखो ये, अरे भैया खोलना भी है उसको। अनबॉक्सिंग आपको ढेर सारी अनबॉक्सिंग खाऊंगा। और मम्मी सांप से कैसे डरी थी ना मम्मी, तुम्हें वो असली सांप लगा था? हाँ। कैसे लगा था अचानक से देख के? मुझे समझा लकड़ी में लेटा है। क्या क्या दोबारा बोल? लकड़ी में लेट रखा है, ये समझा? तो अब ठीक है जुकाम? कल ही ठीक हो गई थी ना। ये प्यार होता है बच्चों के लिए, और आप लोग जो दुआएं करते हो, विश करते हो हमारे लिए, कमेंट करते हो अच्छे अच्छे हमारे लिए, वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, सब कुछ है वो हमारे लिए। तो बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को शेयर करना मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि यू नो जब भी ये चीज़ आती है, तो ये अगर हम नहीं दिखाएंगे तो उनको भी पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए। थैंक यू।
इसमें तो हेलो किटी लिखा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इसके लिए है। मेरे लिए? अरे इसमें घास काट के लाएगी तो ये देवांशी के लिए होगा ना। दिखाओ पापा को। लेकिन तुम सुनो सुनो रुदु रुदु सुनो, तुम अपने दोस्तों को भी दोगे, दोगे ना गांव के बच्चों को भी दोगे ना? नहीं? हाँ बोलो। हाँ दोगे ना गांव के बच्चों को, सबको देना ठीक है? नहीं नहीं दोगे, अद्दू को भी देना, तम्मू को भी देना ठीक है, और सौरभ को भी देना। नहीं पहले बोलो, पहले बोलो मैं गाड़ी दोस्तों को भी दूंगा, बोलो गाड़ी रुदु। देखो देखो ये देखो, ये क्या है? क्या पढ़ोगे इसमें? ए बी सी डी लिखूंगा। वो क्या पढ़ोगे इसमें? लिखूंगा। अच्छा ये क्या? एम। ये क्या? एन। ये क्या? ओ। ये क्या? एन। ये क्या? ई। ई। ये क्या है? ओ बाप रे, ये क्या? ये क्या? ये गाड़ी, और ये मेरा रिमोट है। ये किसके लिए गाड़ी? मेरे। हैं? ये देवांशी को दे देंगे हम। अच्छा तो वो वाली गाड़ी बच्चों को दे देंगे, गांव के दूसरे बच्चे भी आएंगे ना? कहे वो? अच्छा ये वाला देंगे ना? हाँ बोलो। नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा ये वाला नहीं है, तो ये किसको देंगे? बोले दोस्तों को देंगे। किसको देंगे? दोस्तों को। गांव के बच्चों को देंगे ना? हाँ बोलो पहले। ये तुम्हारा है, ये किसको देंगे? हाँ ये किसको देंगे? बच्चों को ना? ठीक है। ये क्या है? क्या ज्योमेट्री बॉक्स? ज्योमेट्री बॉक्स। लगता है पढ़ाई हमें ही करनी पड़ेगी, रुद्राज तो सिर्फ गाड़ी चलाएगा बस। तो ये इसमें उसको पढ़ाई कर रही है, मैं अपने डिजाइन बनाऊंगा इसमें। थैंक यू सुनीता जी, मैं इसमें अपने डिजाइन बनाऊंगा। ये कलर्स है जो है, ये मैं कुछ बच्चों को दे दूंगा गांव में, एंड आई होप कि आपको और ज्यादा खुशी होगी। जैसे ये कलर्स है और ये कुछ गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं रुद्रांश के दोस्त, तो मैं ये उनको दूंगा और उनको बड़ी खुशी होगी। क्यों पापा, सही है ना? ये शॉपनर्स, तो ये बहुत सारे शॉपनर्स हैं, तो ये हम बच्चों को दे देंगे जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स भी है और कुछ स्टिकर्स भी है। ये लैपटॉप के पीछे या फ्रिज में लगा देंगे मैं, ताकि सीखता रहेगा ना वो। और ये आयुर क्रीम है, इसे तुम लगा लेना। ये बच्चों के लिए हम जो कलर है वो दे देंगे। रुद्रांश को आप देख सकते हो, उसको आप कुछ भी मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको गाड़ी चाहिए बस। अब बाद में वो सब कुछ मांगेगा, ऐसे नहीं, उसके दिमाग में सब कुछ है। कितने बच्चे होंगे छोटे रुद्रांश के बराबर? दो तीन है, छोटे छोटे। हाँ है ना, तो ये उनको दे देंगे हम गाड़ियाँ, है ना। ये जैसे कुछ किताब है और ये कलर पेंसिल्स है और ये टॉयज है, बिस्किट्स है ये, तो है ना। चुन्नू चुन्नू आ मेरो चुन्नू, मेरो चुन्नू इधर आ जा, मुझे डरता नहीं है ये चुन्नू, वो कैमरा देख के डर रहा है। चुन्नू चुन्नू आजा आजा आजा। हेलो किटी लिखा हुआ है, छोटी लड़कियों का बैग है। और ये कलर्स ये हम माही को दे देंगे। वो कितने साल की है मम्मी? वो भी तीन साल की, चार साल की है, तो साल बराबर है। रुद्दू के बराबर है, तो प्यारी सी गुड़िया है, तो उसको दे देंगे हम ये बैग, क्योंकि रुद्दू खुश हो जाएगी। हाँ खुश हो जाएगी, क्योंकि यस ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। देख क्या करेगा इससे? आज चित्र बनाऊंगा। आज बनाएगा चित्र? अरे क्या बात है। लो पहले वो बिस्किट, ये कैसे पकड़ोगे? लो हाँ लो और ये चॉकलेट। अरे वाह, अरे यहाँ तो और बच्चे हैं, चलो इन्हीं को दे दूंगा। ले आ रहा दे, ले लो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ये गाड़ी, लो है ना, ये तुम्हारे लिए टॉफी, ये भी लो, ये पकड़ो, चलो तुम दोनों खा लेना। हाँ और ये भी है, लो पकड़ो। तो आज 11
ये हाँ ये दीदी सही ये पकड़ आइए दीदी पकड़ो दीदी ये ठीक है ना आइए बड़ी दीदी और ये कार्तिक तुम्हारे लिए गाड़ी उई, 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 ये लो और ये लो चॉकलेट अरे टॉपनर गिर गया नीचे अच्छा बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू लव यू हम लोगों को टॉफियां बहुत पसंद है गांव में ये ले ले बहुत सारी टॉफियां थैंक यू यही बोल दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो ये था और जितने बच्चे अभी और भी हैं थोड़ा बहुत हम बाद में शेयर कर देंगे हो गया धन्यवाद तो धन्यवाद थैंक यू सो मच आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और ये थोड़ा बहुत एक प्यार होता है ना एक शेयरिंग शेयरिंग एंड केयरिंग आप जानते हो बट किसी के पास कोई कमी नहीं है क्यों इतना प्यार कम है तो प्यार से दे रखा है तो इतना हमारे लिए तो बहुत है बहुत है। और दूसरी चीज ये है गांव में जितने भी लोग हैं किसी के पास कोई कमी नहीं है कोई अपने बच्चों के लिए कमी नहीं करता सबके पास है बट ये थोड़ा सा शेयरिंग एंड केयरिंग थोड़ा अच्छा लगता है ना चीजें देना बट किसी के पास कोई कमी नहीं है तो थैंक यू सो मच आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो क्या बोलना है तब तक अपना ध्यान रखना तब तक ध्यान रखना और सांप से डरी थी तू सांप से डरी थी नहीं डरती डरी डरी थी मम्मी साहब से तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा थैंक यू सो मच एंड बस यही है शेयरिंग एंड केयरिंग मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में यस बाय।